नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रावत जी ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त हेम सिंह रावत। दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो भील जनजाति है, आदिवासी जनजाति, उनके सेक्टर में आया हुआ हूँ और उनका जो रहन सहन है और उनका कल्चर है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वो किस तरह रहते हैं आज भी, करीबन वो 100 साल पहले वाला जो कल्चर था उसी में जी रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कितनी कठिन भरी इनकी ज़िंदगी है, क्योंकि यहाँ बैल से भी खेती नहीं करते हैं, ये खुद हाथ से खेती करते हैं। हाथ से जो जुताई होती है, खुदाई होती है जो खेती की, वो हाथ से करते हैं। जो कुदाली होती है जो अपन के घास फूस काटते हैं उससे ये खेती करते हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं पूरा विस्तार से। और आपको मैं दिखा रहा हूँ जो आदिवासी होते हैं उनके ये सेक्टर है, और आप देख सकते हो ये खेत है, जो ये खेत बने हुए हैं और चारों तरफ खेत है। और यहाँ बैल भी नहीं चल सकता है और ट्रैक्टर भी नहीं चल सकते हैं। और देखो ऊपर घर बने हुए हैं पहाड़ों पे, ऊपर ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे चारों तरफ। तो आइए भी आदिवासी जो लोग हैं, एक ये पूरा मकान बना हुआ है, इसमें पूरा परिवार रह रहा है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखो आपने कहीं खेत पे ऐसा देखा होगा, देख सकते हो आप खेत पे जो हमारे जो पुराने लोग थे वो खेतों में ऐसे लगाते थे जानवर को डराने के लिए, तो इन्होंने भी ऐसा ही लगा रखा है, पूरा पुतला बना रखा है, देख सकते हो आप पूरा, कि जैसे कोई खेत में कोई खड़ा है। और ये इनके लिए खेत है, ये इनकी खेती है जो उबड़ खाबड़ है। और यहाँ ट्रैक्टर और बैल कोई भी, यहाँ बैल भी नहीं आ पाते हैं तो ट्रैक्टर भी नहीं चल पाता है, तो ये हाथ से ही जो खेती होती है वो करते हैं। और तो आइए अब आपको मिलवाते हैं जो इसमें परिवार रह रहा है उनसे। आप क्या लेके आए बाजार से, दिखाएंगे हमें, बताओ। तो ये बहुत ही मतलब सादगी से इनका जीवन है भाई, बड़ी सादगी है इन लोगों में। और ये मार्केट से आई है देखिए, और यहाँ इन्होंने एक थैले के अंदर कुछ आइटम मार्केट से, देखो केला लेके आई है, अंगूर है, चार अंगूर भी इन्होंने लेके आए हैं अपने, ये छाछ है देखिए, और ये देखिए बहुत सारा सामान जो है छोटा छोटा लेके आए हैं। ओहो हो, क्या बात है देखिए, हैं तो आप तो बस 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 बदोड़ा कोला। हाँ ये देखिए, तो आप मतलब है ना ये 5-10 दिन का इकट्ठा लेके आए हैं। अच्छा इसमें क्या है, तम्बाकू है, तम्बाकू। अच्छा ये अच्छा हमें भी लेंगे आप, मैं पीऊंगा, मैं नशेड़ी हूँ। ये देखिए बहुत बहुत भोले हो, कितने कितने रुपए खर्च करके आए आप आज, कितने रुपए खर्च ₹500 ₹500 का मतलब ये इतना सामान आया। ये पीछे जो पौधा लगा हुआ ये किसका है, तम्बाकू का है। यहाँ पर भी लगाते हैं पौधा बाबा जी के लिए, या बच्चे भी पीते हैं बीड़ी, बच्चे बीड़ी पीते हैं, आप भी पीते हो, आप नहीं पीते, क्या आप अकेले पीते हैं, कितने बच्चे हैं आपके, बच्चे कितने बच्चे, बेछोरा और छोरी, छोरी नहीं, छोरी नहीं है, छोरा के शादी हो गई, आठ बच्चा, पोता पोता और पोती। अच्छा एक के आठ है, एक के सात है, 15। अच्छा 15 है पोता पोती, पोता पोता तुम्हारे वाले 10 है हमारा हो सोरा। क्या काम करते हैं बच्चे, दो लड़का है ना, एक लड़के का 7 बच्चे है और एक का 8 बच्चे है। अच्छा 15 है टोटल, आनी बाजा तो मैंने चाहे बोलते हैं, उनका दोनों लड़का मिला के लड़के उनका पोते हुए 15 हुए, लेकिन वो 15 उसको लेके वो लोग चले गए मजरी खाने के लिए। अच्छा यहाँ नहीं रहते, यहाँ आते हैं कभी कभी, आते हैं साल में 1-2 बार आते हैं, फिर नहीं आते। अच्छा ये खाली वो यही अकेले दोनों रहते हैं इधर ही। बच्चे पैसे वगैरह पहुंचाते हैं, खर्चा बच्चे पहुंचाते हैं, अनाज बनाज फूट जाता है तो खर्चा वगैरह थोड़ा देते हैं लोग, नहीं तो बाकी खेती पर निर्भर, खेती पर नहीं हो पकवाना है घर में, फिर नहीं तो खुद मजदूरी कर लेते हैं, कोई बुलाता है तो।
ये मजूरी पे जाते हैं, मजूरी भी जाता है, कहीं भी जाता है, कहीं जी रहे हैं जंगल में, हम कलमा लाना कैसी नहीं मानता। अच्छा बाबा जी थोड़ा इधर नजदीक बैठो, ये फोटो लेता हूँ आपके ना। हारू आई, हारू हारू आई, एक मिनट फोटो लेना, आप बैठो है ना। तो रात को यहीं ये रात को इसके ऊपर हाथ रख दो माता जी ना, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाते रहो आप तो। अभी दाल नहीं है इसमें, दाल नहीं है, हाँ दाल नहीं है इसमें, दाल नहीं है, दाल नहीं है, दाल है, दाल लेके आओ। भालू रात को आता है, दिन में आता है। एक जना बनाओ यार, यार बनाओ, बनाओ दोनों की आवाज मिक्स हो रही है क्या? नहीं कोई नहीं, मैं हम तो फोटो ले रहा हूँ। भालू आता है क्या? जानवर कौन सा आता है, जंगली जानवर? मैंने कहीं समझ नहीं, आज समझ नहीं पा रहा। पोत्रा आठ, एक ना हाथ एक ना आठ, एक ना सात एक ना आठ। हाँ अच्छा, तो ये दोस्तों हमें मिले हैं, बहुत ही बाबा जी मिले हैं, इनके घर में चलते हैं और इनके कल्चर के बारे में जानते हैं। ये भील आदिवासी हैं, ये दंपति है, इनकी उम्र करीबन 90-90 साल बताई जा रही है। इन गांव में हमने पूछा तो इनका बहुत ही निराला कल्चर है और बहुत ही पुराना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं।